सो फाइनली गाइस हमारा OB39 अपडेट आ गया है। तो आप लोग कैसे नॉर्मल फ्री फायर को डाउनलोड कर सकते हैं इसका मैं आप लोगों को तीन टिप्स बताऊंगा। तीनों टिप्स बहुत ही सिंपल है जिसको फॉलो करके आप लोग ऑफिशियली तरीके से नॉर्मल फ्री फायर को अपने फ़ोन पे इंस्टॉल या डाउनलोड कर सकते हो। तो वो सब जानने से पहले आप लोग वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ गाइस, तीनों स्टेप को जरूर ध्यान से देखना, आप लोग को जो सबसे आसान ईजी लगे आप लोग वही फॉलो करना। सबसे पहला टिप्स, अगर आप लोग ईजिली फ्री फायर को डाउनलोड करना चाहते हो नॉर्मल फ्री फायर को, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। मैं आप लोगों को यहाँ पे ऑफिशियल APK दे दूंगा, आप लोग सिंपल से उसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल हो जाएगा। होने के बाद गाइस जब आप लोग इसको ओपन करेंगे तो इन गेम इसका OBB फाइल डाउनलोड हो जाएगा। तो ये रहा गाइस पहला आसान तरीका जिससे आप लोग नॉर्मल फ्री फायर को इंस्टॉल कर सकते हो। बट इंस्टॉल करने से पहले गाइस आप लोग पुराना FF को डिलीट करना पड़ेगा, और डिलीट करने से पहले ऑब्वियसली आप लोग अपना कस्टम HUD अपलोड करके रखना, ताकि बाद में गेम इंस्टॉल होने के बाद आप लोग इसको इजीली डाउनलोड करके आपका कस्टम HUD सेव कर सकते हो। नंबर टू टिप्स, ये बहुत ही इजी एंड आसान मेथड है, इससे आप लोग ऑफिशियल तरीके से प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कर सकते हो APK को। तो कैसे डाउनलोड करना पड़ेगा ये जानने के लिए गाइस आप लोग को प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा। तो सिंपल से आप लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा TurboVPN, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इसको आप लोग को इंस्टॉल कर लेना होगा। देन VPN इंस्टॉल होने के बाद गाइस आप लोग को इसको ओपन करना होगा, एग्री एंड कंटिन्यू कर देना। तो आप लोगों को कुछ स्टेप का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे टैप टू कनेक्ट पे क्लिक कर देना, देन यहाँ पे कैंसिल करना। सबसे पहले तो भाई आप लोग ऊपर देख पा रहे हो सर्वर सिलेक्ट का ऑप्शन, तो आप लोग यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट करना, देन कोई भी लोकेशन सिलेक्ट कर देना। करने के बाद गाइस यहाँ पे ओके कर देना, तो आप लोग का यूनाइटेड स्टेट का जो यहाँ पे VPN है ये कनेक्ट हो जाएगा। अभी ऊपर क्रॉस मार्क पे क्लिक कर देना। करने के बाद गाइस आप लोग को सिंपल से जाना होगा फोन के सेटिंग में। अभी गाइस आप लोग को अकाउंट एंड सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप लोग एक जीमेल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो VPN कनेक्ट रहने के अवस्था में आप लोग एक न्यू जीमेल अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो इसके वजह से आप लोगों का एक अमेरिका का जीमेल बन जाएगा। तो यहाँ पे गूगल पे क्लिक करने के बाद गाइस आप लोग सिंपल से यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट कर देना, फॉर माई सेल्फ कर देना। तो एक जीमेल अकाउंट जैसे बनाते हैं नॉर्मल तरीके से, आप लोग ठीक उसी तरीके से एक जीमेल अकाउंट बना लेना। और गाइस इस जीमेल अकाउंट का आप लोग को एक फायदा तो परमानेंट के लिए मिल जाएगा, जब भी आप लोग को नॉर्मल फ्री फायर डाउनलोड करना होगा बस इस जीमेल को अपने प्ले स्टोर को कनेक्ट कर लेना, देना आप लोग कभी भी नॉर्मल फ्री फायर को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मेरा अकाउंट बन गया है, आप लोगों को भी कुछ इस तरीके से VPN कनेक्ट करके ही जीमेल अकाउंट बनाना पड़ेगा। जीमेल अकाउंट बनने के बाद गाइस आप लोगों को प्ले स्टोर का डाटा क्लियर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्लियर डाटा ही करना पड़ेगा आप लोगों को। फिर से देख लो, क्लियर डाटा करने के बाद आप लोग प्ले स्टोर के सिंपल से ओपन कर लेना, देन आपका पुराना वाला जीमेल यहाँ पे कनेक्ट रहेगा, तो सिंपल से उसको चेंज करके नया जो जीमेल आपने बनाया है उस जीमेल को कनेक्ट करना। तो यहाँ पे मैंने ये जीमेल बनाया है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोग एक्सेप्ट कर देना। तो सिंपल से गाइस यहाँ पे हमारा अमेरिका का एक जीमेल अकाउंट बन गया जो प्ले स्टोर से कनेक्ट भी हो गया। अब यहाँ पे फ्री फायर सर्च करूंगा तो मुझे नॉर्मल फ्री फायर यहाँ पे मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अभी आप लोग यहाँ से इंस्टॉल करके इजीली खेल सकते हो। तो इस तरीके से गाइस आप लोग ऑफिशियली नॉर्मल फ्री फायर को आपके फोन पे इंस्टॉल कर सकते हो और इजीली आप लोग खेल सकते हो। तो ना कोई आप लोगों को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ रहा है, ना कोई आपका अकाउंट का रिस्क रह रहा है। तो सिंपल से गाइस ऐसे आप लोग जीमेल बना के इसको डाउनलोड कर लेना, और फ्री फायर मैक्स को भी आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और जब भी गाइस आप लोगों को नॉर्मल फ्री फायर की जरूरत पड़ेगा प्ले स्टोर पे, बस ये वाला गूगल अकाउंट को कनेक्ट करना जो आपने बनाया अभी, उसको कनेक्ट करके ओपन करना, तो आप लोगों को कभी भी आप लोगों को नॉर्मल फ्री फायर मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग नॉर्मल फ्री फायर को डाउनलोड कर सकते हैं। VPN को डिस्कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे भाई क्रॉस मार्क पे क्लिक कर देना, तो आपका जो VPN है डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो सेकेंड टिप है गाइस बहुत ही थोड़ा मतलब ज्यादा लंबा है और मुश्किल भी लग रहा होगा आप लोगों को, बट ऑफिशियली लेने के लिए आप लोगों को ऐसा ही करना पड़ेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो ये सेकेंड टिप फॉलो कर लेना। अभी तीसरा टिप्स देने वाला हूँ जो एक वेबसाइट होने वाला है, इस वेबसाइट से भी आप लोग डाउनलोड करके फ्री फायर खेल सकते हो, आप लोग का आईडी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जिसका नाम है APK प्योर। बट यहाँ से डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को जो पुराना FF है उसको डिलीट करना पड़ेगा। देन गाइस यहाँ पे आप लोग सर्च करना गूगल पे APK प्योर, तो आप लोग को APK प्योर के वेबसाइट पे लेके आएगा। देन यहाँ पे आप लोग सर्च करना फ्री फायर, तो आप लोग को नॉर्मल फ्री फायर न्यू लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा। तो इसको आप लोग इंस्टॉल कर लेना जो 400 समथिंग MB का है। और अगर आप लोग फ्री फायर मैक्स भी डाउनलोड करना चाहते हो, यहाँ पे आप लोगों को फ्री फायर मैक्स भी मिल जाएगा जो बहुत ही ज़्यादा MB का है।
तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा एपीके प्योर से आप लोग डाउनलोड मत करना। आप लोग हो सके तो सेकेंड स्टेप फॉलो करो, गूगल प्ले स्टोर से इजीली आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। बस एक बार आप लोग के झंझट कर लो, लाइफ टाइम आप लोग इजीली यहाँ से ऐसे करके डाउनलोड कर सकते हो। तो कमेंट करके बताना गाइस, तीनों टिप्स में आप लोगों को कौन सा सबसे इजी लगा वो जरूर बताना। एंड आप लोगों कोई भी हेल्प या कोई सपोर्ट की जरूरत होगा तो टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहाँ पे हर एक क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा मैं। तो आज के लिए बस इतने अपडेट रखते हैं गाइस, वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे नेक्स्ट वीडियो के साथ।